तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम 3 की। दोस्तों सिंघम 3 भाई अपनी जगह से जो कि 15 अगस्त को आने वाली थी वहां से पोस्टपोन हो चुकी है। दोस्तों जहां पर पहुंची है वहां पर भी दोस्तों एक मूवी बैठी है। क्या सच में दोस्तों सिंघम 3 एक पोस्टपोन से मतलब एक क्लेश से बचकर दूसरे क्लेश के लिए दोस्तों लड़ने के लिए तैयार बैठी है? कहां पर सिंघम 3 की रिलीज डेट दोस्तों पोस्टपोन हुई है, कौन सी न्यू रिलीज डेट है सिंघम 3 की, इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी किस फिल्म से न्यू रिलीज डेट के साथ सिंघम 3 का फिर से क्लेश होने वाला है भाई साहब? क्या सच में सिंघम 3 फिर से पोस्टपोन होगी? बाकी जो मूवी दोस्तों जिसे क्लेश हो रहा है या वो पोस्टपोन होने वाली है भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो हम आज हम इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब। दोस्तों आप सबको तो पता है कि सिंघम 3 15 अगस्त को आने वाली थी दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो। फिर कुछ दिनों बाद खबरें निकल के सामने आई कि भाई ये दिवाली पर पहुंच गई दोस्तों। फिर खबरें निकल के सामने आई कि भाई फिर से 15 अगस्त को सिनेमा घरों में तबाही मचाएगी दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों सिंघम 3 के साथ पुष्पा 2 का क्लेश होने वाला है, तो मतलब होने वाला था दोस्तों। फिर खेल खेल में जो कि अक्षय कुमार की फिल्म, 15 अगस्त को क्लेश होने वाला था। फिर जॉनी वाला फिल्म वेदा मूवी, इसके साथ क्लेश होने वाला था। एक तरफ दोस्तों सिंघम 3, यानी कि 4 मूवी का क्लेश होने वाला था 15 अगस्त को, इस तरह की बातें बताई जा रही है भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो सिंघम 3 के मेकर्स और रोहित शेट्टी जो कि फिल्म के डायरेक्टर साहब हैं, और दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि भाई हम अपनी मूवी को पोस्टपोन करेंगे। तो दोस्तों वो 15 अगस्त के पोस्टपोन होकर पहुंच चुकी है दोस्तों दिवाली पर, यानी कि इसी साल दिवाली के मौके पर आपको सिंघम 3 देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर देखा जाए तो दिवाली पे एक मूवी बैठी है जिसका नाम है भूल भुलैया 3, जो कि कार्तिक आर्यन की मूवी है। तो भाई इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों कि भाई कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है भूल भुलैया 3, वो एक साल से ही भाई यहाँ पर दिवाली की जो रिलीज डेट है वो लॉक करे बैठे हैं भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो इसको जानते हुए भी भाई सिंघम 3 दिवाली पर पहुंच चुकी है भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। तो भाई अब बात यह है कि भाई क्या अब पोस्टपोन होगी दोस्तों दोबारा से सिंघम 3? लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई अब क्लेश होगा दोस्तों भाई साहब। जो 15 अगस्त है वहां पर 3 मूवी का क्लेश होगा, वेदा मूवी, खेल खेल में जो कि अक्षय कुमार की मूवी है, और दोस्तों पुष्पा 2 का क्लेश होगा, इस तरह की बातें बताई जा रही है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। तो भाई कार्तिक आर्यन एक साल पहले भाई अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि भाई हम भूल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर लेके आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। अब जो भी है, अब जो दोस्तों अब क्लेश तो होगा भाई, यह बात तो पक्की है कि भाई अब तो क्लेश होना पक्का है दोस्तों भाई, यहाँ पर देखा जाए तो। और मेरे हिसाब से दोस्तों भाई कोई भी मूवी हो, जब किसी बड़े एक्टर ने या छोटे एक्टर ने एक रिलीज डेट दोस्तों कंफर्म कर दे कि भाई हम इस तारीख को आ रहे हैं, और दोस्तों दूसरी फिल्म वहीं पर दोस्तों रिलीज करती है, इसे कहते हैं भैंस, ना हम खुद खाएंगे ना हम दूसरों को खाने देंगे दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाता है। जैसे कि आपने 2023 में दिसंबर के मौके पर आपने डंकी वर्सेस सालार को देखा होगा भाई, डंकी मूवी 1-1.5-2 साल से भाई 2023 की दिसंबर के महीने में बैठी है दोस्तों। सालार को कुछ दिखा नहीं, उससे जाकर क्लेश कर दिया भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। दोस्तों अगर सालार को क्लेश करना था तो वो जवान से करती, पठान से करती, वो स्लो मूवी के साथ क्यों करा? तो गाइस ये है दोस्तों माइंडसेट वाली बात। तो भाई ये भी बता रहे थे कि भाई सालार 2 जो मूवी है, मतलब सालार मूवी है, वो जवान से क्रैश होने वाली थी, लेकिन दोस्तों जवान का बस देखकर भाई साहब वहां से पोस्टपोन हो गई बहाना लगाकर। उसके बाद दोस्तों जो स्लो मूवी है, जो आज की जनरेशन दोस्तों इस तरह की मूवी पसंद नहीं करती है, राजकुमार हिरानी की, वहां पर जाकर दोस्तों वहां पर क्लेश कर लिया। फिर भी दोस्तों 500 करोड़ से ज्यादा डंकी मूवी ने बिजनेस कराया, 700-650 करोड़ के करीब दोस्तों सालार मूवी ने बिजनेस कराया, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। गाइस सिंघम 3 और भूल भुलैया 3, अब तो भाई दोनों का क्लेश पक्का है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो। गाइस फिल्म एक ही बार पोस्टपोन होती है, मतलब दो दो बार भी हो जाते हैं लेकिन एक ही बार पोस्टपोन होती है, क्योंकि दोस्तों जो फैंस होते हैं वो देखते नहीं है मूवी। अब जैसे कि पुष्पा 2 एक दोस्तों पोस्टपोन होने की कतार में खड़ी है, इस तरह की मतलब पोस्टपोन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोस्तों हम पूरे मन में ढाए बैठे थे कि भाई हम 15 अगस्त को मूवी देखने जाएंगे पुष्पा 2, लेकिन दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही है, ना तो इसकी भाई मूवी की शूटिंग खत्म हुई है, मतलब शूटिंग पे दोस्तों काम रोक दिया गया है, और इसकी एडिटिंग पे काम रोक दिया गया है दोस्तों पुष्पा 2 की, इस तरह की बातें बताई जा रही है। बाकी आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना दोस्तों।